आज मैं इस वीडियो में कोरोनिल किट का रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। यह किट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि है। ये दिव्य श्वासारी कोरोनिल किट पतंजलि का प्रोडक्ट है। ये दवाइयाँ अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, ककड़ा, सिंगी, रुदंती और पावरफुल मिनरल से बनी हुई हैं। यह कोरोनिल किट 545 रुपीज़ का है। इस किट में कोरोनिल टैबलेट, श्वासारी वटी और अनु तैल है। इस किट में दो तरह की टैबलेट्स हैं और एक नज़ल ड्रॉप है। इस किट के अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। मैनुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। इस मैनुअल में दवाओं की सारी डिटेल्स, उनके डोजेस और कब और कैसे खाना है, इसका भी डिटेल लिखा हुआ है। तो आप इस मैनुअल को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये दिव्य अणु तैल है जो कि 20 ml का है और इसका MRP 25 rupees है। इसे ठंडी, सूखी और डार्क प्लेस पर स्टोर करके रखना है और हर इस्तेमाल के बाद इसे टाइटली बंद करके रखना है। इस तेल को हमें नाक में डालना रहता है। ये श्वासारी वटी है। इसके अंदर 80 टैबलेट्स हैं और इसका MRP 120 rupees है। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो आप ये दवाई खा सकते हैं। ये दवा दिन में 3 बार दो दो टैबलेट्स हमें खानी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से आधे आधे घंटे पहले। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है बल्कि हल्का फुल्का ही जुकाम फील कर रहे हैं तो फिर इसे दिन में 2 ही बार लें, सुबह और शाम। ये कोरोनिल टैबलेट है। इसके अंदर 80 टैबलेट्स हैं और इसका MRP 400 rupees है। इसकी एक टैबलेट 640 mg की है। इसकी दो दो टैबलेट दिन में 3 बार खानी है, सुबह, दोपहर और शाम के खाने के आधे घंटे बाद। श्वासारी वटी और कोरोनिल टैबलेट दोनों को ही हमें ल्यूक वार्म वाटर या फिर गुनगुने से हल्का ज़्यादा गर्म पानी से लेना है। आप ये दवाएं नॉर्मल अवस्था में भी खा सकते हैं क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं उन्हें। ज़रूरी नहीं है कि बीमार होने पर ही खाएँ। यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन की डोजेस के बारे में इंग्लिश में लिखा गया है कि कब और कैसे खाएं। इसमें औषधियों की मात्रा और सेवन विधि हिंदी में है। यहाँ पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया है कि आप इन दवाओं के इस्तेमाल के साथ साथ और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। स्पेशल गाइडेंस मतलब कि विशेष मार्गदर्शन को इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड आयुर्वेदिक योग की कार्य पद्धति दी गई है। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।